हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सब लोग? आप भी ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। तो गाइस, ये वीडियो बन रही है मॉर्निंग में, और मॉर्निंग में मैं दिखा रही हूँ पहले आपको पार्क। ये है हमारा, पेड़ों से तो हरा भरा हो रखा है लेकिन नीचे बिल्कुल घास ख़त्म हो गई। और जो भी ऐसा लोग हैं इन्होंने पानी डाल रखा है ताकि थोड़ा ठंडा रहे और थोड़ा धूल ना उड़े। ये बेचारे रोज़ पानी डालते रहते हैं, तो थैंक यू इन लोगों के लिए भी जो पार्क की इतनी देख रेख करते रहते हैं। तो गाइस, मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग में लेडीज़ का काम क्या होता है, सीधा किचन में। अब आ गई हूँ मैं किचन में। अब किचन में मैं नाश्ता बना रही हूँ सुबह का। और क्या बना रही हूँ बताती हूँ आपको। इसमें तो मेरे काले चने बन रहे हैं, तरी वाले ही बना रही हूँ क्योंकि चावल भी है। तो ये टिफिन में ले जाएंगे चावल। लड़का वो बोलता मैं रोटी नहीं ले जाऊँगा। इसमें चावल बन रहे हैं और इसमें बन रहे हैं तरी वाले काले छोले, काले चने वाला। दूध उबाल दिया है अपने लिए, मैंने ओट्स बना रखा है क्योंकि आजकल थोड़ा सा ज़रा सेहत का ख्याल रखा जा रहा है। पहले तो बहुत खा लिया है, अब ज़रा थोड़ा सा सही से सेहत का ख्याल रखें हम। गाइस, पहले तो रोज़ चिकन, मछली, बकरी सब खा ली, अब ओट्स पे आ गए हम और फल। इसके साथ सेब काटूंगी एक, और ये सुबह का नाश्ता मेरा ही होगा। और बच्चों के लिए मैंगो शेक बना रही हूँ। अभी मैं आटा गूंदूंगी, रोटियाँ बनाऊंगी, जब नाश्ता पूरा हो जाए तब दिखाऊंगी। और शेरू को भी खिला लिया, उसका जो खाना था मैं बताना भूल गई, कोई बात नहीं, कभी भी बता दूंगी। वो रोज़ 7 बजे खा लेता है ब्रेड और दूध और सेरेलिंग्स और पेडिग्री, क्योंकि ये दूध उसी के लिए पहले उबाला मैंने। दूध कच्चा था तो कच्चा दूध ही पीता हो, तो उनको थोड़ा उबाला फिर ठंडा करा तब दिया। उसके भी बहुत नखरे रहते हैं भाई। तो अब मैं किचन में तैयार हो रखी हूँ और खाना भी बन रहा है, साथ साथ वीडियो बन रहा है। तो 2 दिन वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि हमारे पास रील थी बची हुई, हमने रील डाली। तो गाइस सॉरी, वीडियो नहीं बन पाए 2 दिन। कभी कभी जब वीडियो नहीं बनाते हम उस दिन रील डाल देते हैं, देखते रहना हमारे रील भी। और इंस्टाग्राम पे भी मैंने कुछ रीलें डाल रखी हैं, उनको भी देखना। उस इंस्टाग्राम का लिंक मैं वीडियो में डाल दूँगी, तो इंस्टाग्राम पर भी हमारे रील देखते रहना। क्योंकि दूध हो रहा था गर्म, इसलिए थोड़ा बर्फ में रख देते हैं, क्योंकि वो आम में डाल के ना फट जाएगा। मैंगो में गर्म दूध नहीं डाल सकते हम ऐसे ही, वो फट सकता है। अब मैं दूध ठंडा करने के लिए रख दिया, और अभी इस ट्रे में फिर पानी डाल दूँ। बर्फ कभी भी काम आ जाता है, आजकल तो गर्मी, और गर्मी इतनी हो रखी है ना, ये ख़तरनाक है। किचन में भी नहीं रहा जा रहा है, और क्या करें, अब गर्मी है लेकिन खाना तो है ही, किचन में भी जाना ही है। लेडीज ने तो अपना, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, कैसी हो, किचन में तो घुसना पड़ेगा, ये मजबूरी है हम लोगों की। लेकिन कौन समझे हमारी मजबूरी, कोई नहीं समझता। तो मैं बना रही हूँ नाश्ता वास्ता तैयार, और बच्चों के लिए टिफिन भी, क्योंकि चावल भी इसलिए बना रही हूँ, तरी वाला बन रखा तो बच्चा ले जाएगा चावल ऑफिस में। बोल रहा मैं रोटी नहीं ले जाऊँगा, रोटी आजकल वैसे हो जाती है बड़े बड़े से। तो ठीक है भाई, अब मैं सबके मन के अपने लिए मैंने ओट्स बना लिए, मैंगो शेक बना रही, अभी आटा गूंदूंगी। एक काम काट रहे, बस 1 से 2 गिलास बन जाएंगे दोनों के लिए। पापा मना कर रहे हैं, मैं नहीं पी रहा मैंगो शेक। वो मैंगो शेक वैसे ज़्यादा पीते भी नहीं, वो बोल रहे अभी गर्मी भी है, अभी से मैंगो सेक हो गए तुम्हारे। लेकिन यहाँ बच्चे तो कब से पी रहे हैं, ये आम वैसे नहीं खा रहे पर मैंगो सेक पी रहे हैं, क्योंकि वैसे अभी नहीं खाएंगे भाई, गर्मी बहुत है और दाने आ जाते हैं। अभी खाली मैंगो सेक। चीनी भी डाल देती हूँ,
देखो ये बन चुका है मैंगो शेक, अभी मैं जार से निकालूंगी फिर बताऊंगी आपको। तो आप मैंगो शेक में इसमें डाल दें, देखो जग में मैंगो शेक डाल दिया मैंने, अभी इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे। ड्राई फ्रूट कहाँ रखे हैं ढूंढने पड़ेंगे, हैं भी कि नहीं देखने पड़ेंगे मुझे ड्राई। तो गाइस काजू तो मिल गए, बादाम और किशमिश ख़त्म हो रखे हैं, कोई बात नहीं मंगा लेंगे। और गर्मी में ज़्यादा भी क्या डालें, अभी ये काजू तो मैं डाल रहा हूँ ठीक है, लेकिन बादाम और किशमिश नहीं है कुछ माता, गर्मी है बहुत ज़्यादा ना, अब इन्हीं से काम चला लेंगे। कोई बात नहीं, तब गूंज लूँ मैं आटा एक जगह, नीचे कैसे दिखाऊँ आटा गूंज लूँ। आटा मैंने गूंद दिया है, ये अभी थोड़ा भिगाने के लिए रखा है, थोड़ी देर में और मसल दूंगी इसको। तब एक इम्पोर्टेंट काम रह गया, अब मैं वो कर रही हूँ आपको बताती हूँ, आप वीडियो में बने रहें।
रहा है, ये बोल रहा है मेरे साथ खेलो, और मैं काम कर रही हूँ भाई, अभी रोटियाँ बनानी। तो गाइस रोटियाँ भी बन चुकी हैं, नाश्ता पूरा बन चुका है, अब खाने की तैयारी है। नाश्ता तैयार हो चुका है, मैंगो शेक, चावल और ये काले चने और रोटी। रोटी में ये सब्जी भी गिर गई थी। तो गाइस ये बच्चों के पापा के लिए वो मैंगो शेक नहीं पीता, उनके लिए दही है, चावल है, सब्जी है, लो है। अभी रोटी ला रही हूँ मैं, ये हैं रोटियाँ, ये रोटियाँ ले जा रहे हैं इनके लिए। और शेरू भी बैठ गया है यहाँ पे खाने के लिए, एक बार तो 7 बजे खा चुका है, और दोबारा तैयार थाली ले जा रही है। देखो उसकी थाली, ये शेरू, शेर सिंह दही के साथ और आलू ये खाता रहता है। अभी ये है मेरा खाना, ये है ओट्स और ये है सेम। अब ये सेम मैं इसी में ही मिला दूंगी, इसी में मिला के खाऊंगी मैं। तो अब का अब उनका ब्रेकफास्ट तो हो गया तैयार, तो खाते हैं हम। तो अपना ब्रेक खा लिया है, मैं यहाँ से खा ली हूँ। अब रह गई सृष्टि, सृष्टि थोड़ी देर में खाएगी। कितना खाता, अभी पापा ने दिया, भाई ने दिया, उससे पहले मैंने दे दिया, अब फिर बैठ गया। अब सेब खा रहा था, अभी अब सेब भी खा चुका, अब बैठ गया अभी। ये देखो अब नहीं खाना ना, पेट भर गया। शेरू शेरू यहाँ देख, देख शेरी पेट भर गया आपका, अब अन सुना बहुत चालाक है, चालाक ब्रो। तो गाइस देखो शेरू कैसे सो रहा है, हम पे क्योंकि गर्मी इतनी हो गई, उधर से कूलर की पंखे की हवा आ रही है ना, उसमें बिल्कुल उल्टा करके सो रखा है, मस्त करके। ये सबको गर्मी लगती है, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो। ये देखो मस्त करके सो रहा है। सिर्फ नींद नहीं आ रही आपको, सो जा बाबू सो जा, नींद नहीं आ रही सो जा। गाय सृष्टि के लिए थाली आ गई, चलो भाई खाओ, ठीक है। थैंक यू मम्मा। तो गाइस वीडियो पूरी हो चुकी है, वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो सृष्टि रात एंड फैमिली ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और ढेर सारा प्यार देना, और सब्सक्राइब भी करना, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा हो वो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज। और गाइस थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखें।